गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उप जिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार राकेश कनौजिया के साथ कसेरा गांव में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान गांव में वर्षों से चल रहे रास्ते के विवाद को पल भर में सुलझाते हुए चक नाली के साथ रास्ते का निर्माण कराने के लिए निर्देश दिया। सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे नाली निर्माण में अनियमितता को देखते हुए निर्माण कार्य को रोकवा कर ठेकेदार सहित संबंधित अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने गांव में बनी परिवार कल्याण उपकेंद्र को देखा तो उनकी त्योरी चढ़ गई। केंद्र जाने वाले रास्ते पर गंदगी देख ग्राम प्रधान को जमकर फटकार लगाई, तत्काल सफाई का निर्देश दिया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों के बाबत जानकारी सहित अनुपस्थिति की दशा में आवश्यक कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रद्युम्न दत्त सिंह को तलब किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन क्लास की जानकारी ली तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। ऑनलाइन पाठ्यक्रम को दिखाने की बात कही लेकिन वो दिखाने में असमर्थ रहे। इस पर एसडीएम श्री सिंह ने कड़ी फटकार लगाई और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सहित स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। इस संबंध में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गांव का इसी प्रकार से निरीक्षण किया जाता रहेगा। इसी दौरान कमी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को विकास खंड करंडा के अंतर्गत धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मणपुरा एवं सौरम में धान क्रय केंद्र पहुंचकर वहां की धान क्रय की स्थिति देखी। क्रय केंद्र सौरम में कम धान खरीद पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जितने भी किसान केंद्र पर आते हैं उनसे धान क्रय किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने केंद्र पर खरीद कम होने पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि क्रय केंद्र समय से खुले तथा केंद्रों पर नियत समय पूर्वाहन 9 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र प्रभारी उपस्थित रहें। केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ नियमित धान खरीद करते हुए केंद्रों को आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति कराना सुनिश्चित करें। किसी भी केंद्र पर बिचौली और दलाल सक्रिय न हो पाए, अन्यथा की स्थिति में केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कहा कि यदि महिला के नाम पर पंजीकरण है तथा महिला स्वयं धान बेचने केंद्र पर आती है तो बिना नंबर के ही उसको वरीयता के आधार पर उनका धान क्रय किया जाए। रेवतीपुर में स्थित गदाधर श्लोक महाविद्यालय के परिसर में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को मंगलवार को जागरूक किया गया। उन्हें हेल्पलाइन के बारे में बताने के साथ ही आत्मरक्षा के कई उपायों की जानकारी भी दी गई। महिला कांस्टेबल पूजा ने छात्राओं को आत्मरक्षा के कई उपाय बताए। कहा कि निडर होकर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 118, 112, 1090 तथा 1098 पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और सम्यक समाधान किया जाएगा। उप निरीक्षक प्रमोद यादव ने कहा कि छात्राएं निर्भीक होकर अपना काम करें। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए मिशन शक्ति के द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र राय ने पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए आगंतुक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय की छात्राओं सहित शिक्षक एवं पुलिस कांस्टेबल रवि प्रकाश आदि उपस्थित रहे। गाजीपुर नगर के विभिन्न स्थानों पर लोगों द्वारा घरों के साथ ही दुकानों का कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जिसे बाद में नगर पालिका की गाड़ी उठाकर निर्धारित स्थानों पर ले जाकर फेंकती है। अधिकांश ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ स्थानों पर पूरे दिन कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। इसको समाप्त करने की नीयत से लोग कभी कभी उसमें आग लगा दे रहे हैं, जिसमें प्रदूषण फैल रहा है। सोमवार की रात सिटी रेलवे स्टेशन कॉलोनी मोड़ के पास भारी मात्रा में पड़े कूड़ा कचरा में किसी ने आग लगा दी, जिससे आग की लपटें उठने लगी और आसपास धुआं फैल गया। कूड़ा जलने से उसमें घंटों दुर्गंध उठता रहा, जिससे आसपास के लोग परेशान रहे। लोग इस आशंका से भी भयभीत रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि चिंगारी उड़कर उनके घरों या दुकानों में चली जाए और आग न लग जाए। विद्युत वितरण खंड तृतीय सैदपुर में विद्युत मजदूर पंचायत की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इसमें जीपीएफ ट्रस्टी के चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने वाले निर्भय नारायण सिंह को अधिशासी अभियंता तृतीय आशीष चौहान ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, शॉल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक अभियंता शिवशंकर सिंह, जिलाध्यक्ष विजय शंकर राय, जिला मंत्री अरविंद कुशवाहा, धीरेन्द्र राय, अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार, शाहिद हाफिज, अजरुल हसन, अवर अभियंता नाथुराम यादव आदि अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।